चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, लैंडर में नए इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं और नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। ये सब चीज़ें अब तक हर बच्चे बच्चे को पता है, बट हम डिस्कस करना चाहते हैं एक मेजर चेंज जो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है एंड इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक डेमो करके दिखाऊंगा कि ये चीज़ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ये है चंद्रयान 2 और ये है चंद्रयान 3। ये देखने में एक जैसे लगते हैं एक्सेप्ट चंद्रयान 3 के रैंप में ये चेसबोर्ड पैटर्न लगा हुआ है। अब यहाँ पर शुरू होती है हमारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बात का इसरो की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि ये पैटर्न एक्चुअली में किस लिए यूज़ हुआ है। सो आई एम स्पेक्यूलेटिंग कि ये पैटर्न एक्चुअली में है कैमरा कैलिब्रेशन टारगेट, जिसका कंप्यूटर विजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कैमरे का यूज़ हो रहा है डेप्थ परसेप्शन या फिर मेजरमेंट लेने के लिए, तो फिर चांसेस आर कि इसी तरह के एक पैटर्न का यूज़ किया गया होगा कैमरे को कैलिब्रेट करने के लिए, ताकि उससे ली गई मेजरमेंट्स एक्यूरेट आएँ। ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है, आपको बस एक चेकबोर्ड पैटर्न लेना है, अलग अलग एंगल से आपको उसकी पिक्चर्स लेनी है और फिर एक प्रोग्राम उन इमेजेस को एनालाइज करके कैमरे के इंट्रेंसिक पैरामीटर्स का पता लगाएगा, जिन्हें यूज़ करके हम कैमरे से एक्यूरेट मेजरमेंट्स ले पाएंगे। बट इसका चंद्रयान से क्या लेना देना है? चंद्रयान 3 का रोवर सेमी ऑटोनोमस है, इसका मतलब इसे अर्थ से इसरो के साइंटिस्ट गाइड करेंगे। उसके लिए उन्हें पता होना चाहिए कि रोवर के सराउंडिंग्स कैसी हैं। इसीलिए रोवर में 2 नेविगेशन कैमरे लगे हुए हैं जो मून के सरफेस का 3D मैप बनाकर इसरो को भेजेंगे एंड हमारे साइंटिस्ट इसे एनालाइज करके रोवर को बताएंगे कि कहां जाना है और कौन से ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करना है, रोवर के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इसीलिए इन कैमरे से आ रही मेजरमेंट्स का एक्यूरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज की इंपॉर्टेंस को ढंग से समझाने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है। ये है हमारा नया मिनी रोवर, इसके ऊपर हमने कैमरा लगा रखा है और इसके सामने एक ऑब्स्टिकल है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। पहले हम अनकैलिब्रेटेड कैमरे से इस ऑब्स्टिकल के डिस्टेंस का पता लगाएंगे एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमें 31 सेंटीमीटर दिखा रहा है, बट एक्चुअल डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर का। और ये रिजल्ट है कैमरे को कैलिब्रेट करने के बाद। अब हमें एवरेज डिस्टेंस दिखा रहा है 29.8 सेंटीमीटर का, यानी सिर्फ 2 मिलीमीटर का एरर है। एंड आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों इसको लेके। मेरे पास 2 थ्योरीज है। पहला है कि लैंडिंग होने के बाद रोवर इन पैटर्न्स को यूज करेगा अपने कैमरे को कैलिब्रेट करने के लिए, बट ये काम तो लॉन्च से पहले भी किया जा सकता है। लेकिन सेकेंड थ्योरी है इन केस ऑफ इमरजेंसी रोवर का ऑडोमेट्री डेटा गड़बड़ हो जाए या किसी तरह से वो अपने पोजिशन को लूज कर दे, तो रोवर अपना मुंह लैंडर की तरफ करके इन पैटर्न्स की मदद से अंदाजा लगा पाएगा कि उसकी पोजीशन क्या है या फिर अपने कैमरे को रिकैलिब्रेट कर पाएगा। देखो, मैं कितना भी स्पेकुलेट कर लूं या डेमोज बना लूं, इसका सही जवाब सिर्फ इसरो के पास है। यहाँ तक कि इसरो की सबरेडिट पे भी किसी को नहीं पता है कि इसका एक्चुअल यूज़ है क्या। सो ट्विटर पर इसरो को टैग करो या DM करो एंड पता लगाओ भाई ये है क्या चीज़। एंड जाने से पहले बता दूं, हमारा ये मिनी रोवर ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, ऑलरेडी इसका वीडियो आ रखा है, बट नेक्स्ट वीक से मैं कर रहा हूँ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट। प्रज्ञान रोवर को बेस्ड है, ये प्रज्ञान रोवर का बड़ा वर्जन होगा, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द रियर रोवर। सो इस डब्बे में मस्त चीज़ है, एक सरप्राइज़ है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।